नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त राशि। दोस्तों, बात करेंगे खोए हुए प्यार को अपनी जिंदगी में वापस लाने के लिए कुछ टोटकों की। प्यार करने वाले ना जाने क्या क्या वादे करते हैं, साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं, यहां तक कि चांद सितारे तोड़ने की बातें भी करते हैं। पर कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि आप अपने प्यार से अलग हो जाते हैं। किसी कारणवश आपका प्यार आपसे दूर हो गया है या आपने अपने प्यार को खो दिया है। उसे पाने के लिए आपको चांद तारे तोड़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत आपको आपका प्यार वापस दिला सकता है। तो अपनाइए इन उपायों को और अपनी जिंदगी में अपने प्यार को वापस लाएं। पहला उपाय, केले में गोरेचन मिलाकर लेप बनाएं। इस लेप को सिर पर लगाएं। ऐसा करने से व्यक्ति में आकर्षण शक्ति आ जाती है। दूसरा, नारियल धतूरे के बीज कपूर को पीस ले, इसमें शहद मिलाएं। नियमित रूप से इसका तिलक लगाएं। ऐसा करने से जिसे आप प्यार करते हैं वो आपको छोड़कर नहीं जाएगा, और यदि आपका प्यार आपको छोड़कर चला गया है तो आप इस तिलक को लगाकर अपने प्यार के पास जाएं। देखिए, आपका प्यार आपको वापस मिल जाएगा। तीसरा उपाय, सूर्य ग्रहण के समय सहदेवी की जड़ और सफेद चंदन को घिसकर तिलक करें और अपने प्यार के सामने जाएं। चौथा उपाय, राई और प्रियंगू को हिम्र मंत्र द्वारा अभिमंत्रित करके अपने खोए हुए प्यार पर डाल दें। आपका प्यार आपके वश में हो जाएगा। पांचवा उपाय, बिनजोरे की जड़ और धतूरे के बीज को प्याज के साथ पीस कर अपने प्यार को सूंघा दें। आपका प्यार आपके ही गुण गाएगा। छठा उपाय, नाक से चमेली के फूल, कूट, तंगर, कुमकुम और देसी घी का मिश्रण बनाकर किसी प्याली में रख दे। लगातार कुछ दिनों तक नियमित रूप से इसका तिलक लगाएं और अपने खोए हुए प्यार के सामने जाएं। आपका प्यार जल्दी आपको वापस मिल जाएगा। सातवां उपाय, अगर प्रेमी या प्रेमिका के प्रति प्यार कम हो गया हो तो श्री कृष्ण का स्मरण कर 3 इलायची अपने बदन से स्पर्श करते हुए शुक्रवार के दिन छिपा कर रखें। जैसे अगर साड़ी पहनती हैं तो अपने पल्लू में बांधकर उसे रखा जा सकता है, और अन्य लिबास पहनती हैं तो रुमाल में रखा जा सकता है, और पुरुष अपने रुमाल में रख सकते हैं या छोटे से कपड़े में रखकर अपने पर्स में रखें। शनिवार की सुबह वो इलायची पीसकर किसी भी व्यंजन में मिलाकर अपने प्रेमी या प्रेमिका को खिला दे। मात्र 3 शुक्रवार में फर्क नजर आ जाएगा। तो दोस्तों, इन उपाय को अपनाएं और अपने जीवन में खोए हुए प्यार को वापस पाएं। दोस्तों, समस्या हमारे जिंदगी का एक पहलू है। अगर आपको भी कोई समस्या है या कोई डाउट है या वास्तु से संबंधित कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।